नमस्कार दोस्तों, सात्विक रसोई से मैं नीता भार्गव। आज हम ब्रेड स्लाइस, वो जो साइड के बचे थे जो हमने दही बड़ा बनाया था पिछले वीडियो में, और ब्रेड पकोड़ा बनाया था उसके किनारों से हम बनाने वाले हैं एक नई डिश। इसकी रेसिपी आप वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दही बड़ा और ब्रेड पकौड़े का। चलिए अब देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिएगी। ये हमारे 12 स्लाइस के ब्रेड किनारे हैं जिनसे हम बनाने वाले हैं। यही खास है, इसी से हमारी पूरी डिश बनने वाली है। वो हम बना रहे हैं उपमा, वेज उपमा, जिसमें वेजिटेबल्स बनाकर हेल्दी ब्रेकफास्ट या टी टाइम के लिए बना सकते हैं हम। इसके लिए हमें चाहिएगा ये बीन्स हैं, और ये कैरेट है, और ये शिमला मिर्च है हरी वाली, कड़ी पत्ता चाहिएगा, मूंगफली के दाने रोस्टेड हैं जिन्हें आधे को मैंने दरदरा कर लिया है, आधे साबुत रख लिए हैं, और धनिया है, हरी मिर्च एक ही ली है क्योंकि शिमला मिर्च भी है, अदरक को चॉप कर लिया है, और नींबू का रस मिलाएंगे, नमक चाहिएगा स्वादानुसार, और राई या सरसों के दाने हमें चाहिएंगे। अब चलिए हम बनाते हैं इससे। किनारों से उपमा बनाने के लिए मीडियम आंच पर कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी गरम कर लिया है, और अब इसमें राई चटकाएंगे, और हम इसमें अब मिलाएंगे कड़ी पत्ता, और उसको मिलाकर, कड़ी पत्ते को मिलाकर हमें उसको भी थोड़ी 10 सेकंड के करीब हम उसको भी भून लेंगे। तो कड़ी पत्ता मिला लिया है और अब इसको भून लेंगे। दोस्तों बहुत हेल्दी नाश्ता बन रहा है ये, आप भी जरूर बनाइएगा। रेस्टोरेंट्स तो हम हमेशा बनाते ही हैं, अब कभी कभी चेंज भी कर लेना चाहिए। या उसे मिलाएंगे और हम कम से कम 30 सेकेंड इसको रोस्ट करेंगे ताकि ब्रेड की जो फ्लेवर है वो निकल जाए। खाने में उतना ही स्वादिष्ट बनने वाला है उपमा की तरह। ये मैंने आधी चम्मच नमक मिलाया है, आप स्वादानुसार मिला लें। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे, अभी ये 1 कप मिला रहे हैं, पहले ज़रूरत के अनुसार मिलाते चलेंगे। अभी इसमें 1 कप और मिल जाएगा पानी। चलाया, अभी कम लग रहा है, 1/2 कप ऑफ मिला रहे ले रहे हैं, और फिर उसके बाद हम इसे ढककर पकाएंगे। जब ये गाढ़ा पड़ जाएगा तब गैस बंद कर देंगे। जब तक हमारे वो पक रहे हैं हम सब्जी पकाते हैं। ये 1 छोटी चम्मच देसी घी और 1 छोटी चम्मच मक्खन लिया है, इसको गरम कर लेंगे, और इसमें ये हमने गाजर डाल दिए, गाजर रोस्ट हो रही है। तब तक हम इसमें बीन्स मिलाते हैं। हमें बस ये सब सब्जियां क्रंची तक रखनी है, बहुत जल्दी ये हो जाती हैं, कुक हो जाती हैं। अदरक और हरी मिर्च मिला लिया है, और अब इसमें हम ये शिमला मिर्च भी मिला देंगे। चलाएंगे एक बार। अब ये टमाटर भी काटकर मिला लिया है, और ये थोड़ा सा चुटकी भर से ज़्यादा नमक मिला दिया है, तो इससे सब्जी थोड़ी अच्छी बन जाएंगी। अब ये हमारी क्रंची हो चुकी है, इसको ढककर पका लिया है, ये तैयार है हमारी सब्जी। ये हमारी ब्रेड भी अब गाढ़ी पड़ चुकी है, इसको मीडियम आंच पर हम चला कर देख लेते हैं, बिल्कुल एकदम तैयार है। अब इसमें हम मिलाएंगे हमारी पकी हुई सब्जियाँ, ये सब सब्जियाँ तैयार हो चुकी थी, इन्हें इसमें मिलाएंगे और चलाएंगे इसको अच्छी तरह से, ये सब मिला लेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा बनेगा, टेस्टी होगा, आप भी ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा बना है। अब ये नींबू का रस भी मिला देंगे इसमें, और हम इसमें मिलाएंगे मूंगफली दाना, इसी से टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। आपके पास नारियल का पाउडर हो या नारियल, कच्चा नारियल हो, वो ही मिला दिए और भी टेस्टी बन जाएगा, नारियल नहीं था। अब ये धनिया मिला दिया है हमने इसमें, और हम इसमें अब अंत में मिलाएंगे 1 बड़ी चम्मच मक्खन का, जिससे बहुत ही बढ़िया बनेगा। Thank you.
ब्रेड किनारों से उपमा बनकर हमारा तैयार हो गया है। गैस बंद कर दिए, अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे भुजिया या जैसे भी खाना चाहें खाइए। इसे देखकर कोई कह सकता है कि ये ब्रेड के किनारों से बना है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहें। थैंक यू।